वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज हो गया 22वां रोजा और बस अब रमजान खत्म होने में 8 दिन ही बचे हुए हैं। और अभी 2 दिन से हमारा जो है वो व्लॉग नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ था मिराज, मुझे तो पता ही नहीं है। लोड नहीं हो रहा था। रो क्यों रहे हो? दिखाओ ना क्या कराती हो तुम डेली मेरे से, ये इसलिए रो रहा हूँ। प्याज टमाटर ही तो काट रहे हो, अभी पाव भाजी भी बनाना है। तो 2 दिन से हमारा व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए पोस्ट नहीं हो पाया। तो आज हमारा जो है एक व्लॉग पोस्ट हुआ है मेरे बर्थडे वाला, तो आप लोग देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। और अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तहजीब टीवी न्यू इस पे है, यूट्यूब पे तहजीब टीवी करके चैनल है, वो आ रहे हैं हमारे घर पे। तो उनके लिए थोड़ा बहुत इफ्तार वगैरह बनाना है, तो इसी वजह से आज हम जल्दी लग गए हैं और मिराज को भी मैनेजर काम दे दिया है। हमारे मतलब शूट करेंगे कि इफ्तारी में क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मतलब वो पूरा कवर करेंगे। हाँ, वो आ रहे हैं हमारे, जैसे हम व्लॉगिंग करते हैं ना, तो वो हमारी चीजों को, जैसे हम इफ्तार कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, तो वो सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, कवर करेंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग उनके भी चैनल पे देखना और हम भी डालेंगे, पोस्ट करेंगे, तो आप हमारा भी देखना। तो चलते हैं इफ्तार की तैयारी करने। तो भाई हमने स्टार्ट कर दिया बनाना, मिराज ने चढ़ा दी इधर पाव भाजी का भाजी बनने के लिए, और इधर बैगन वैगन आलू बॉयल कर रही हूँ मैं, बैगन को पानी में डाला हुआ है नमक डाल के, और अभी तक मिराज इधर ही लगे हुए हैं। अब फ्रूट काट रहे हैं, इसमें ना हाफ पपीता हाफ तरबूज कर देना, एक प्लेट में हाफ पपीता हाफ तरबूज। हाँ, तो वैसे ही रखूंगा। और इधर एक सैलेड बन चुका है, दूसरे की तैयारी हो रही है अभी। वो लोग कितने बजे आएंगे? 5:30 बोला। 5:30। और अभी बुलाया है मैंने मम्मा को, रूबी भाभी, जीशान भाई, और अम्मी भी वहीं पे गई हुई थी, तो अम्मी भी आएंगे, अभी आ रही है, रास्ते में निकल गए वो लोग, क्योंकि जो आ रहे हैं ना उनको थोड़े बहुत मतलब 2-3 बच्चे भी चाहिए जिनसे वो बात कर सके, और बड़े लोग भी चाहिए जिनसे वो अच्छे से बात कर सके। तो हमने जीशान भाई को इसलिए बुलाया क्योंकि जीशान भाई टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल में है, तो वो थोड़ा अच्छे से बात कर लेंगे उनसे। तो अभी आ रहे हैं वो लोग, फिर मिलवाते हैं आप लोगों से। जी बन के तैयार है और मिराज ने बनाया है, ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है, बट अभी हम खा नहीं सकते क्योंकि हमारा रोज़ा है। तो ये हम आपको बताएँगे इफ्तार के बाद। सही लग रहा है, मस्त। A few inches later. Assalamu alaikum. उनका इधर बैठना। जैन भाई, तो भाई ये आलू आ गए हैं 5:20। चल भाई लेबर, कुछ नहीं करना, सब कर लिया है। हाँ इधर आ जा, इधर आ जा, ये देख भाई मैंने बनाया। क्या बात है, पाव भाजी सलाद। पाव कम पड़ जाएगा भाई, कम पड़ेगा, है अपने पास। भाजी ढक दो तो। कहाँ? वो वाला जो रख के हुआ। तू हाँ, बनाया पाव? हाँ मैं बना। आगे कब आने वाले? बस इसमें काम कुछ देखिए ना, समझ दे दो छोटा प्लेट, आज ना कोई हल्ला नहीं चाहिए जाए, ठीक है? कॉपीराइट कर दूंगा किस चीज का। तो गाइस मम्मी आई हैं और मम्मी से हम बनवा रहे हैं शाही गुलगुल्ला का बेस, और इधर हमने बिछा दिया अच्छे से बिल्कुल कालीन। भाईजन भी आ गए, भाईजन, बाजी, बच्चे सब आ गए। तो भाई ये रेडी है। 2 hours later. तो भाई जैसा सामर ने बताया था कि हमारे घर तहजीब टीवी वाले आने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पे जिनका चैनल है, तो वो लोग आ गए हैं। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जैन परेशान हो गया है पता नहीं क्यों। तो ये भाई आ चुके हैं, हो गया सामर? ऑल सेट। हां बस भाभी पकड़ लो, वो फ्राई करना चिप्स, ठीक है? और यहां पे सब हो चुका है भाई रेडी, सारे इफ्तारी तैयार है।
और इन लोगों का वेट हो रहा था कि ये लोग आए, तो ये लोग शूट शुरू करें और आ ही चुके हैं। महीना हो जाता है, जैसे हम त्योहारों पे दावत देखते हैं, लेकिन रमजान का महीना अलग ही होता है। तो क्या कहेंगे ये वाले भी ये एग के हैं ये दोनों, ये वाले आलू चौक है। तो भाई देखो यहाँ पे आ चुके हैं तहजीब टीवी वाले और शूटिंग चल रही है, और दिखाता हूँ आप लोगों को। स्पेशल शाही क्या बोलते हैं इसको, गुलगुला, भूल जाता हूँ ना। और अम्मी का इंटरव्यू चल रहा है। शरबत पकौड़े तो मतलब रोज है, तरह तरह के पकौड़े होते ही हैं। खजूर का जिक्र करूं और रोबजे का जिक्र करूं और साथ में पकौड़े का जिक्र करूं, तो ये तीन चीजें दस्तरखान की रौनक बढ़ाती हैं। खजूर ज्यादा पसंद होती है। अच्छा तो आपकी पसंद है खजूर, और आपकी क्या पसंद है ये बताइए। मेरे तो पकौड़े, मुझे पकौड़े पसंद है। अच्छा आपको रमजान के महीनों में हम डेली पकौड़े खिला रहे हैं तो खा लेंगे, लेकिन रमजान के महीने से अलग अलग भी खा लेती हूँ मैं। अच्छा वो दिखाओ। अच्छा ये नमकीन कितना रह गया है अभी, हो गया लास्ट है। चलो बढ़िया, तो गाइज ये लड़की मेरे कपड़े में हाथ पोंछ रही थी तो मैंने पकड़े लिया है। गौर से देखिए शैतान लड़की को। तो भाई ये लग गया दस्तरखान हमारा ज़बरदस्त, और ये लोग शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो गर्मी अब शुरू हो गया, तो 4 दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है।
सरकार साहब, जब घर के सभी लोग एक साथ बैठते हैं, तारीफ करते हैं, तो ये जो माहौल होता है ये अमूमन बाकी दिनों में नहीं दिखता है। जब रमजान का पूरा महीना शुरू होता है सब नॉर्मली है, बट ये है कि रमजान में ज्यादा अच्छा लगता है। 12 महीने में जो एक महीना होता है उसमें थोड़ा फील अच्छा होता है, रिलैक्सिंग फील होता है और अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें रमजान के महीने से अलग तो हम नहीं, हमारी तो पूरी नहीं हो सकती। जी जी, मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं फ्रूट्स और सलाद और थोड़ा शरबत वगैरह पसंद करता हूँ, उससे ज्यादा। ठीक है, और फिर डिनर में क्या लेते हैं फिर आप? डिनर में तो जितना ज्यादा नॉन वेज उतना अच्छा है। वहाँ पे आप डाइट का ख्याल नहीं रखते? तो प्रोटीन है ना उसमें, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है शरीर के लिए। तो लेकिन वो जब घर पे बनता होगा तो ऑयल तो डलता है ना, या फिर आप स्पेशली ऑयल डलता है उसमें, तो मसाले की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आप सहरी में फिर क्या खाते हैं? सहरी में बस नॉर्मल मैं आपको प्रॉपर स्पेस देता हूँ, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? तो बताएं कैसी रौनकें गुजर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और सब मिलके इफ्तार करते हैं, और काफी मतलब बरकत वाला ये है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जी जी, और ये जो आप परिवार को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे अब? पूरे महीने हम एक साथ होते हैं, रमजान में हमेशा होता है, बहुत ही मतलब बरकत का महीना है, और इबादत करनी चाहिए, पूरी टाइम देता हूँ, और बाकी थोड़ा हैक्टिक होता है, पर अगर आप इंजॉय करते हो तो फिर अच्छा होता है। तो आप भी इबादत के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? जी हाँ, जितना हो पाता है, मतलब मैक्सिमम जितना, जैसे तरावी मैंने पढ़ी है तो वैसे 15 दिन जाने थे मुझे, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद है। और अच्छा, हल्का ही आप इफ्तारी करते हैं, लेकिन मिराज साहब से हमने सुना और मिराज साहब को हमने देखा कि उन्होंने तो अपनी आइडिया की बहुत मदद की है किचन में। क्या आप भी शौक रखते हैं कुकिंग का? आप भी इफ्तारी बनाने में मदद करते हैं? सवाल आपके लिए बहुत टफ हो गया मुझे लगता है। मैं चाय बनाता हूं इफ्तारी वाले। सिर्फ चाय बनाते हैं? अच्छा, सबको आप चाय पिलाते हैं अपने हाथों की? ये बहुत शॉर्टकट था कि आप चाय बनाते हैं, मैंने पानी की बात की थी। तो मैं अपना कर लेती हूँ, वो अपना पार्ट नहीं पाते, मैं अपना पार्ट निभाते, लेकिन तब भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये किसके बेटे हैं? ये मेरे बेटे। तो ये आपके बेटे हमसे बात करेंगे? जिस का वाले को बुरसा वाले को बुरसा पसंद है, टैंग पसंद है? ओहो, है रमजान का, और कुछ रौनकें बदलती हैं, कुछ रौनकें और बेहतर हो जाती हैं, तो ये जो साल है और ये जो महीना है, ये और कितना बेहतर हुआ, रौनकें कितनी आपको अच्छी यहाँ पे दिखती है, या फिर कम हो गई है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले में तो आपके कम हो गए। मैंने देखी जब रमजान का महीना आता है, मर्दों की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, औरतों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, इफ्तार में रेडी करना, सहेली में उठना, सबको उठाना, सबको जगाना, बच्चों को देखना, बच्चों को देखना, औरतों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो सही कहा वैसे आपने कि औरतों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, तो आपके नज़रिए से आपका जो तजुर्बा रहा वो ये रहा कि रौनकें थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि वो कितना उनको भी अलग लग रहा है। जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है, रौनकें बढ़ी या कम हो गई हैं, वो क्यों? सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, काम बहुत कम निकाल पाते हैं, लेकिन आज भी देखिए सब साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं और कैसे न कैसे वक्त निकालते ही हैं। A few inches later. तो नाज़रीन, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हमदर्द अपने तमाम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है, और आप लोगों का जो भरोसा है हमदर्द के प्रोडक्ट्स पे, चाहे हम कहें रूअफ़ा का ही, सबसे पहले हम मुझे अलग से पसंद आती है, तो मैं अलग से अपने लिए बनाती हूँ, सब लोग को यही जो डेली हम यूज़ करते हैं पानी में बनाने का, वही पानी में ही बनाते हैं, इसमें आप नींबू डाल सकते हैं और रूअफ़ा यूज़ कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं, और
चीनी चाहे तो जितना चीनी चाहे उतना चीनी ऐड कर सकते हैं। कई बार बिना चीनी के भी पी सकते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा चीनी नहीं चाहिए होता तो बिना चीनी के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो रेड कलर है वाह, बहुत अच्छा लगता है। इसका रेड कलर देख करके जितने भी शरबत है सबसे बेस्ट मुझे रूअफ़ज़ा ही लगता है, ये हमदर्द का रूअफ़ज़ा। अच्छा, कितने सालों से वैसे आप रूअफ़ज़ा पी रही हैं? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से पापा पिलाते ही हैं, तो मैं अभी 34 ईयर्स की हो जाऊँगी, तो 34 ईयर्स से नहीं 34 ईयर नहीं 6 महीने तो कुछ नहीं है, जब से मुझे हो जाए 2 ईयर्स की भी तब से पापा नहीं चलाते थे रूअफ़ज़ा, हम लोग बच्चे पीते हैं। तो यानी जनरेशन जो जा रहा है, अभी मेरी बेटी है वो छोटी, उसको भी बहुत पसंद है लेकिन जब हम लोग दही में डालते हैं ना वो पिंक कलर का हो जाता है, तो उसे पिंक कलर बेहद पसंद है, तो वो पिंक कलर देख कर भी पीती है। बिल्कुल, आप कैसे बनाने वाली हैं हमारे नाज़रीन को दिखाइए आप जरा। जी, तो इसमें अभी हम पानी करके डालेंगे तो और मजा आएगा। मिंट लीव्स, चीनी भी डाल सकते हैं, मिंट लीव्स, मिंट लीव्स इसमें एक कैसी चीनी भी डाल देंगे और इसको मिला देना, समझ ये जा नहीं रहा। अच्छा, इफ्तारी में ही आप रूअफ़ज़ा बनाती है या फिर गर्मी शुरू हो चुकी है? गर्मी में, पूरी गर्मी, मैंने बताया ना अभी जो दही को मिक्स करके उसमें डाल करके कोल्ड। अ फ्यू इंचेस लेटर। तो नाज़रीन, हमने घर के बड़ों से तो बात की और बच्चों से भी बात करने की हमने कोशिश की थी, बहुत मुश्किल से हमने मनाया है इनको कि हमें कुछ तो वो सुना दे, तो देखिए वो कितनी हमारी बात मानते हैं और आपको क्या सुनाने वाले हैं। हम उन्हीं से उन्हीं का तारुफ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जैन, आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। अच्छा, अभी जाएंगे आप, ठीक है। तो आप क्या सुनाएंगे बताइए, सुनाइए। तो ज़ैन, आपको रमजान का महीना कितना अच्छा लगता है ये बताइए? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है इसमें? खाना खाना अच्छा लगता है। तो हम भी रोज नई नई डिशेस बनाते हैं फिर। अच्छा, आपकी पसंद की क्या अगले साल रखेंगे? बताइए। अच्छा, अम्मी अबू ने कभी बताया कि रोजा क्यों रखना चाहिए, या आपको पता है रोजा क्यों रखना चाहिए, या फिर अम्मी अबू को रोजा रखते देखते हैं तो आपका भी मन है कि मैं भी रोजा रखूंगा? अगर रोजा रखते तो सवाब खेलना क्या पसंद है? अच्छा, चलिए आप कैमरे की तरफ तो देखिए, कुछ और भी सुना दीजिए। सोने की दुआ सुनाना। अच्छा, सोने की दुआ आती है, सुनाइए। अच्छा, बाकी टाइम क्या करते हैं फिर ये बताइए? स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं? मैं उन्हीं को ही माइक हैंडओवर करूंगी क्योंकि क्या पता वो मेरे सवालों से फिर से डर जाएं और हमें कुछ ना सुना पाएं, तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। लीजिए बताइए अपना नाम। आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? पोएम सुनाएंगी? आलू कचालू। जल्दी से पोएम सुना दीजिए। Two hours later. बहुत बहुत शुक्रिया रमजान की रौनक तहजीब टीवी को दिखाने के लिए, अपने घर के दस्तरखान हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो, सबसे मिलके हमें बहुत बहुत खुशी हुई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए यहाँ पे, और मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस महीने में जितना ज्यादा लोगों की मदद कर सके आप लोग जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ज़कात फितरा जो निकाल सकते हैं वो निकालिए, और गरीबों की बहुत ज्यादा मदद कीजिए। मेरा ये मैसेज है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन रौनक के देखी इस प्रोग्राम के जरिए मिलाज साहब की रिहाइश गाह की, तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी और नई रौनकों के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। 2 hours later. तो भाई आज हम लोग बहुत दिनों बाद दाल चावल भुजिया और अंडा खा रहे हैं। चोखा भी है। हाँ, तो अब हम लोग खा रहे हैं, फिर ये लोग जाएंगे घर, मैं जाऊंगा इनको छोड़ने के लिए। अच्छा, तुमको पैदल ले जाऊंगा गाली से।